आप जदों हिजरत फरमा के ते मदीना शरीफ तशरीफ ले आए, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा दिन सहाबा नूं तबलीग फरमांदे ने, कुरान सिखांदे ने, शरीयत सिखांदे ने, नमाज रोज़ा हज ज़कात दे अहकाम सिखांदे ने। नबी करीम दे कोल बाहर तों लोगों के वफद भी आते ने, काफलियां दी सूरत अंदर मुलाकात लई हुजूर उन्हां नाल मुलाकात भी करते ने, यानी कि हर वक्त मेरे आका दीन दी अशात विच मसरूफ रहिंदे ने। बज़ाहर मेरे तुहाडे नबी कोई कम काज कोई मजदूरी नहीं करते, हालांकि आपकी औलाद भी है वे, आपकी अजवाज भी है ने। सारे सहाबा बह के आपस में मशवरा किया, उन्होंने आख्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वेले तबलीग विच लगे रहते ने, हजूर कोई बज़ाहिर काम नहीं करते, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद भी है अजवाज भी ने, असी इंज करिए कि आपस में कुछ माल कट्ठा करके कुछ पैसे कट्ठे करके तो हजूर की बारगाह च तोहफा पेश करिए। जदों सारे सहाबा तोहफा कट्ठा करके माल कट्ठा करके पैसे लैके मेरे तुहाडे नबी की बारगाह च गए, अर्ज की कमली वालिया ये तोहफा लैके आए हाँ, हला मेरे नबी बोले नहीं, हला मेरे नबी ने लब खोले नहीं। रब फरमाया जिबरील जी रब्बे जलील हुक्म होवे, फरमाया जिबरील जा मेरे यार दी बारगच मेरे महबूब दे बोलन तू पहला पहला नाले मेरे वालों सलाम लै जा, नाले यार वल कुरान लै जा। रब वालों जिबरील कुरान लैके मेरे तेरे नबी दी बारगच आए, अर्ज की सोने रब फरमांदा कुल अपने मिठे मिठे लब खोलो, सोने सोने बोल बोलो, अपने इन्हां सहाबा नूं ऐलान करो, या अल्लाह की ऐलान करना है। फरमाया इन्हां नूं आखो ला असअलुकुम, ऐ सहाबा मैं जेड़ी तुहानूं तबलीग करना, जेड़ा कुरान पढ़ाना, जेड़ी शरीयत सिखाना, हदीस पढ़ाना, अहकाम दीन सिखाना, ला असअलुकुम अलैहि, इहदे बदले मैं तुहाडे कोलों कुछ भी नहीं मंगदा, मैं तुहाडे कोलों किसे शय दा सवाल नहीं करता, कोई पैसा कोई माल कोई दौलत कोई किसे किस्म दी उजरत मुआवजा नहीं मंगता, क्योंकि मैं मंगन वाला नहीं, मैं ते वंडन वाला बन के आया। मेरा नबी ते होवे जिन्हां दी शान इन्ना आतैना कल कौसर, रब कायनात दे खजाने अता की, फरमाया मेरी शान ते एवे, रब फरमांदा वा अम्मसा इला फला तनहर, कमली वाले तेरी बारगाह कोई साइल आ जाए तो उन्हें खाली नहीं तोड़ना। ये मेरे नबी दी शान है, बल्कि मेरे नबी ते ओ ने हजरत कतादा दी आँख निकल जाए मेरे नबी दी बारगाह लै के आ जान, मेरे नबी लुआब ला के आँख दा डेला आँख विच रखन, आँख उसे वेले ठीक हो जाए, हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक दी पिंडली टुट जाए मेरे नबी लुआब लान पिंडली ठीक हो जाए, गल लंबी हो जाएगी। हुदैबिया दा मुकाम है, सहाबा कोलो पानी खत्म हो गया, वुजू लई पानी कोई नहीं, पीन लई पानी कोई नहीं, जानवरां लई पानी कोई नहीं, बर्तन खाली हो गए, मेरे नबी दी बारगाह जनाबे जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज कीती सोनिया पानी खत्म हो गया, मेरे नबी ए नहीं फरमाया सहाबा जाओ जंगल अंदर कोई कुआं तलाश करो खूह लब्भो उत्थों पानी लैके आओ, ना ना मेरे नबी दी छागल मुबारक पंजाबी विच आखा लोटा मुबारक है जिदे विच थोड़ा जिहा पानी है जिदे नाल मेरे ते तेरे नबी ने वुजू करना है। मेरे नबी फरमाया जाबिर ओ मेरा लोटा लैके आओ, जदों जनाबे जाबिर लोटा लैके आए मैं सही बुखारी पढ़ रहा सही मुस्लिम पढ़ रहा मिशकात पढ़ रहा मिरातुल मनाजी पढ़ रहा अशियातुल निलमियात पढ़ रहा मुल्ला अली कारी दी मिरकात पढ़ रहा दर्जना मुहद्दिसीन दिया किताबां दे हवाले नाल गल कर रहा। जनाबे जाबिर फरमांदे ने जदों मैं लोटा लैके नबी दे सामने रखिया मुस्तफा ने यदुल्ला दी शान वाला हाथ लोटे विच पाया, हला लोटे विच नबी दा हाथ रखन दी तेरे
रब ने लोटे विचों पानी दे चश्मे जारी फरमा दिए। लोटे विचों पानी दे चश्मे जारी होए। मैं जाबिर साहबा नु आखो जिन्हें पानी पीना पी लवो, जिन्हें वुजू करना कर लो, जिन्हें बर्तन भरने ने भर लो। सारे साहबा जमा होए। सही बुखारी हजरत जाबिर फरमाने साहबा ने वुजू भी किया, पानी पीता भी, बर्तन भी भरे, जानवरों ने भी पिलाया, लेकिन पानी मुकदा नहीं पिया। जाबिर तुसी किन्ने बंदे सो, एक लोटे का पानी खत्म नहीं हो रहा। हजरत जाबिर फरमाते ने लोगो असी उस दिन हुदैबिया दे मुकाम ते 1500 सहाबा सा। सुभान अल्लाह, कह लो 1500 सहाबा सा जिन्हां कोलो लोटे दा पानी खत्म नहीं होया। अगे नाल ही अपना अकीदा बयान करते ने, आंदे ने लोगो उस दिन असी 1500 सा, पानी नहीं सी मुकिया, लेकिन जाबिर दा अकीदा है अगर 1,00,000 बंदा भी हुंदा पानी नहीं सी मुकना, क्योंकि उस पानी दा उस लोटे दी निस्बत मुस्तफा दे हाथ नाल हो गई सी, ते नबी दे हाथ दी निस्बत दी वजह तो अल्लाह ने उस लोटे दी निस्बत होजे कोसर दी नहर नाल जोड़। मेरा नबी ते मंगन वाला नहीं, मेरा नबी वंडन वाला है। फरमाया मैं तुहाडे कोलों कुछ नहीं मंगदा, इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, एक शय मंगना, अगर कुछ देना चाहते हो तो पैसे नहीं, दौलत नहीं, माल नहीं, कोई उजरत नहीं, कोई कीमत नहीं, एक चीज का सवाल करना सोनिया, ओ केड़ी? इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, अगर कुछ देना चाहते हो तो फिर मेरे करीबिया नाल मवद्दत करिया करो। मवद्दत का तर्जुमा मैं ओही करांगा जो उलमा करते हैं। मछली नू पानी दे नाल मोहब्बत नहीं, मवद्दत है। मछली नू पानी नाल मवद्दत है। मछली नू पानी चू कड्डो वो जिंदा नहीं रहती, मर जाती है। फरमाया मेरी आले बैत नाल मेरे करीबिया नाल मोहब्बत नहीं, मवद्दत करनी है। जिवें पानी नू मछली नाल मवद्दत है, उन्हों मछली नू पानी तो जुदा करो, मछली तड़फ तड़फ के मर जाती है। ईमान वाले दे दिल चो नबी दे करीबियां दा प्यार ते मोहब्बत निकल जाए, ईमान जिंदा नहीं रहंदा, ईमान मर जाता। हुण मैं मिसाल दे के, कुरान पाक ने आखिया नबी दे करीबियां नाल मवद्दत करनी, लेकिन कुरान ने किसे करीबी का नाम नहीं लिया कि फलां करीबी है तो फलां नहीं, फलां नाल प्यार करना है तो फलां नाल नहीं करना। मैं एक मिसाल दे के तुहानू समझा देवां ताकि समझ आ जाए। जदों बच्चा पैदा हुंदा है दुनिया ते हुंदा है उहदा सारिआं तों ज़्यादा करीबी रिश्ता किहदा हुंदा है? माँ बाप का। किहदा रिश्ता करीबी हुंदा है? माँ बाप का। फिर उह जवान हुंदा है, शादी दे काबल हुंदा है, उहदी शादी हो जांदी, फिर उहदी बीबी भी उहदी करीबी हुंदी, उहदी बीबी भी उहदी करीबी। तुसीं बोलोगे ते तुहानू याद हो जाएगा ते समझ आ जाएगी, बीवी भी उहदी करीबी हुंदी है। फिर अल्लाह उहनू औलाद नाल नवाजदा, फिर उहदी औलाद भी उहदी करीबी हुंदी है। फिर जिथे उहदी शादी होई हुंदी है यानी उहदे ससुराल वाले भी उहदे करीबी हुंदे ने, फिर जिथे वह अपनी बेटी का रिश्ता करता है यानी उहदे दमाद भी उहदे करीबी हुंदे ने। माँ बाप भी करीबी, बीवी भी करीबी, औलाद भी करीबी, ससुराल भी करीबी, दमाद भी करीबी। हुण मैं जुमला दवांगा बड़ी मुहब्बत नाल सुन के, फिर सुभान अल्लाह आखिया जे। मैं आख्या लोगो अगर तेरे माँ बाप तेरे करीबी ने फिर मुस्तफा दे माँ बाप भी करीबी ने, अगर तेरी बीवी तेरी करीबी है फिर मनना पवेगा मुस्तफा दी खदीजा तुल कुबरा भी करीबी है, मुस्तफा दी आयशा सदीका भी करीबी है, सैयदा हफ्सा भी करीबी है। अगर तेरी बीवी तेरी करीबी है नबी दियाँ बीवियाँ भी करीबी ने, अगर तेरी औलाद तेरी करीबी है मुस्तफा दियाँ धियाँ भी करीबी ने, मुस्तफा दे पुत्र भी करीबी ने। ओ कायनात वालियो याद रखना अगर तेरे दमाद तेरे करीबी ने फिर मुस्तफा दा अली भी करीबी है, मुस्तफा दा उस्मान भी करीबी है, अगर तेरे सोरे तेरे करीबी ने फिर मुस्तफा दा उमर भी करीबी है, मुस्तफा दा सिद्दीक भी करीबी। तेरे ससुराल वाले तेरे करीबी ने, तेनू किसे दसिया नहीं,
उमर दी धी भी नबी वाले, सिद्दीक भी मेरे नबी का सुसर है, उमर भी मेरे नबी का सुसर है। अगर तेरे सोहरे तेनू करीबी ने ते नबी नू अपने सोहरे करीबी नहीं। अगर तेरे दमाद तेनू करीबी ने प्यारे लगते ने ते फिर अली वाल भी नबी दी धी है। अली भी मुस्तफा का दमाद है तो उस्मान भी मेरे नबी का दमाद है। अली वाल ते एक धी है नबी दी, उस्माने करीम वाल दो धीआं ने। हजरत उस्मान वो ने जिन्हां दे बारे हुजूर फरमाया अगर मैं मुहम्मद दीआं 40 बेटियां होंदियां एक एक करके उस्मान दे निकाह विच दे देंदा। अज लोग शोर मचांदे ने अली चाचे दा पुत्तर नबी दा वीर है, बिल्कुल ठीक है। अली चाचे दा पुत्तर मुस्तफा दा वीर लगदा है, बेगाना उस्मान भी कोई नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। उस्माने गनी दा मेरे नबी नाल रिश्ता की है। एक ते दोरे दमाद ने, हजरत उस्मान दी वालिदा आप दी अम्मी जान दा नाम है अरवा बिनते कुरैज, ते अरवा बिनते कुरैज दी मां यानी उस्माने गनी दी नानी आप दा नाम है उम्मे हकीम अल बैदा। ये उम्मे हकीम अल बैदा जेड़ियां ने ये पता कौन ने, ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब दी बेटी ने, ये जनाबे अब्दुल्ला दी सकी भैन ने, हजरत अब्बास अमीरे हमजा अबू तालब इन्हां दी सकी भैन ने। उस्मान दी नानी मेरे नबी दी भी सकी पुफी लगदी है, मौला अली दी भी सकी पुफी लगदी है। ये पुफी दी धी की लगदी है, भैन लगदी है, ते भैन दा पुत्तर भांजा लगदा है, ते अली चाचे दा पुत्तर नबी दा भरा है, बिल्कुल ठीक है। तो उस्मान नबी दी पुफी दी धी दा पुत्तर, मुस्तफा दा भी भांजा है, मौला अली दा भी भांजा है। मतलब ए वे ए सारे मुस्तफा दे करीबी ने। असी अहले बैत दा दामन पकड़ के सहाबा दा दामन नहीं छड़ना, ते सहाबा दा दामन पकड़ के अहले बैत नू नहीं छड़ना। नजात ओदी होवेगी जिदे हाथ एक हाथ विच नबी दे सहाबा दा प्यार वाला दामन होवेगा, ते एक हाथ विच मुस्तफा दी अहले बैत दा दामन होवेगा। ओ बंदे दा पेड़ा इत्थे भी पार हो जाएगा, अगे भी पार हो जाएगा। ए इतने आला घराना है, इतना शाना वाला घराना है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों। फिर जेड़ा इन्हां